मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लूंगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वो भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थीं। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए।